स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रूबी यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का थर्ड चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है श्रेष्ठ नागरिक बनो। श्रेष्ठ का मतलब होता है अच्छे नागरिक बनो, ठीक है बच्चों। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, श्रेष्ठ नागरिक बनो। तो स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तुत पाठ में अच्छा नागरिक बनने की सीख दी गई है, ठीक है बच्चों। हमको इस पार्ट में क्या सीख दी गई है कि हम अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बंटी की शरारत के आगे न केवल उसके परिजन लाचार थे, अपितु मोहल्ले वाले भी। लाचार का मतलब होता है परेशान। तो जो एक बंटी नाम का लड़का था, उससे उसके परिजन या परिवार वाले भी परेशान नहीं थे, बल्कि मोहल्ले वाले भी परेशान थे, ठीक है बच्चों। स्कूल में भी वह जमकर शैतानी करता था। उसकी शैतानी के किस्से रोज़ाना नए नए होते थे, जिससे अनेक लोगों को कष्ट उठाना पड़ता था। न केवल वह बालकों को चिढ़ाता था, अपितु मार पिटाई भी करता था। बच्चों, जो बंटी था वो रोज़ नए नए बच्चों को परेशान करना, बच्चों को चिढ़ाना, यही उसका काम होता था, उनकी मार पिटाई करना, ठीक है। ऊपर के कमरे की खिड़की से भय उसमें से फलों व सब्जियों के छिलके सड़क पर फेंकता, जिन पर पैर रखते ही लोग फिसलकर गिर जाते और उन्हें चोट आती। जब कोई गिरता तो भय बहुत खुश होता, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में उसे सुख मिलता था। सभी पड़ोसी उसकी शिकायत करते, परंतु उस पर कोई प्रभाव ना पड़ता था। भय ना किसी की मानता था, ना ही सुनता था। जो बंटी था बच्चों, वो खिड़की से क्या सब्जी और फलों के जो छिलके थे वो सड़क पर फेंक देता था, जिस पर किसी का पैर पड़ता था तो वो गिर जाता था और उसको चोट आ जाती थी, और वो सभी मिलकर उसकी शिकायत भी करते थे, लेकिन उनको उस पर बंटी पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता था शिकायत का, ठीक है बच्चों। एक दिन की बात है, बंटी ने केले के छिलके सड़क पर फेंक दिए और स्वयं ऊपर के कमरे की दीवार के पीछे छिपकर देखने लगा। उसका विचार था कि थोड़ी देर में किसी का इस छिलकों के ऊपर पैर पड़ेगा और वह फिसलकर गिर पड़ेगा, तब बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम, दूसरे पेज पर। थोड़ी देर के पश्चात उसकी मम्मी घर से किसी काम के लिए बाहर निकली और सड़क पर चलने लगी। जब उनका पैर केले के छिलकों पर पड़ा तो वह बहुत ज़ोर से फिसली और सिर के बल ज़मीन पर गिर पड़ी। देखो बच्चों, जो बंटी था उसने छिलका तो किसके लिए फेंका था, किसी और के लिए, और उसकी फिसल कर कौन गिर गई, उसी की मम्मी, ठीक है। एक चीख निकली और वे कराहने लगी, कराहने मतलब चिल्लाने लगी, दर्द के मारे वो चिल्लाने लगी। उनकी टांग की हड्डी टूट गई थी और सिर के पिछले भाग में गंभीर चोट आई थी। जिन लोगों ने उन्हें गिरते देखा वे तुरंत दौड़कर सहायता के लिए आए। बड़ा ही कारुणिक दृश्य उपस्थित हो गया। कारुणिक दृश्य का मतलब होता है बहुत ही करुणा से भरा या फिर दुख भरा, सैड भरा, वहाँ पर जो दृश्य था वो उपस्थित हो गया, क्योंकि वह रो रही थी, चिल्ला रही थी दर्द के मारे, वो पीड़ा से निरंतर कराह रही थी, ठीक है बच्चों। सड़क पर अपनी मम्मी की चीख सुनकर बंटी दौड़ता हुआ आया। उसकी मम्मी कराहती हुई उस व्यक्ति को गालियां दे रही थी जिसने केले के छिलके मार्ग में डाले थे। उन्हें क्या पता था कि है कार्य उनके बेटे का ही किया धरा है। अब बंटी को अपनी शैतानी के दुष्परिणाम का ज्ञान हुआ। दुष्परिणाम मीन्स बुरे परिणाम का ज्ञान हुआ। जो बंटी की मम्मी थी वो किसको गालियाँ दे रही थी, जो छिलके सड़क पर फेंके थे। अब उन्हें क्या पता था कि उन्हीं के बेटे ने फेंके हुए हैं, ठीक है बच्चों। अभी तक तो भय अन्य लोगों के प्रति ऐसा करता आया, आज उसकी शैतानी की चपेट में उसकी मम्मी भी आ गई। भय मन ही मन पछता रहा था। अब क्या वो जो बंटी था बच्चों, वो पछता रहा था। उसकी मम्मी को अस्पताल ले जाया गया। उनकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा। 3 महीने तक उन्हें बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। अब भी चलते समय उन्हें छड़ी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। इस घटना के बाद बंटी ने सारी बात अपनी मम्मी को बता दी और कान पकड़कर शैतानी त्यागने का संकल्प लिया। अब बंटी शैतानी नहीं करता, भय जागरूक बालकों जैसा व्यवहार करता है। अपनी करनी जब स्वयं भरनी पड़ी तब उसे अक्ल आई। जागरूक का मतलब होता है
बुद्धिमान, ठीक है, वो बुद्धिमान बालकों जैसा व्यवहार करने लगा। बच्चों, तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इस तरह से छिलके या सब्जियों या फलों के छिलकों को डस्टबिन में ही डालना चाहिए, सड़क पर नहीं डालना चाहिए। उससे कोई बाहर का व्यक्ति या फिर हमारे घर के कोई सदस्य फिसल कर गिर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, आगे कुछ शब्द ज्ञान दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम, जिसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं उनके हमको हिंदी अर्थ लिखना। आप अपनी कॉपी में एक साइड शब्द लिखना और दूसरी साइड उनका अर्थ। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है अफीतु। अफीतु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑल थॉट। ठीक है बच्चों, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? बल्कि। ठीक है, अपितु का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? बल्कि। आगे दिया हुआ है जमकर। जमकर को इंग्लिश में बोलते हैं मोर, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? खूब। ठीक है बच्चों, जमकर का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? खूब। नेक्स्ट दिया हुआ है तुरंत। तुरंत को इंग्लिश में बोलते हैं क्विक, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? उसी समय। तो तुरंत का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? उसी समय। नेक्स्ट दिया हुआ है कारुणिक। कारुणिक को इंग्लिश में बोलते हैं सैड, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा करुणा से भरा। ठीक है बच्चों, कारुणिक का क्या हो जाएगा? करुणा से भरा। नेक्स्ट दिया हुआ है निरंतर। निरंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यू, और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा लगातार। तो निरंतर का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? लगातार। नेक्स्ट दिया हुआ है जागरूक। जागरूक को इंग्लिश में बोलते हैं बाइस, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। ठीक है बच्चों, जागरूक का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। अब कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है बच्चों, इसमें हमको चार ऑप्शन मिलेंगे, जो हमारा सही आंसर होगा उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, पहला दिया हुआ है अब बंटी बालकों जैसा व्यवहार करता है। आ नंबर पर दिया है सामान्य, ब नंबर पर दिया है शैतान, सा नंबर पर जागरूक, और द नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो अब बंटी कैसा व्यवहार करता है बच्चों? जागरूक बालकों जैसा। तो इस पे सा नंबर का सही हो जाएगा। सा नंबर के आगे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है खा नंबर पर सभी पड़ोसी बंटी से करते थे, क्या करते थे? आ नंबर पर दिया हुआ है से प्रेम, ब नंबर पर की शिकायत, सा नंबर पर को चिढ़ाया, द नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो सभी पड़ोसी बंटी की शिकायत करते थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब नंबर पर। ब नंबर के आगे हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है ग नंबर पर दूसरों को पीड़ा पहुँचाने में बंटी को मिलता था। आ नंबर पर दिया है आराम, ब नंबर पर सब कुछ, सा नंबर पर सुख, द नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में बंटी को सुख मिलता था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सा। सा के आगे हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया? आगे दिया हुआ है घ नंबर पर बंटी द्वारा फेंके गए छिलकों पर उसकी गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। आ नंबर पर दादी, ब नंबर पर मम्मी, सा नंबर पर दीदी, द नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो बंटी द्वारा फेंके गए छिलकों पर उसकी मम्मी गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ब नंबर का। ब नंबर पर मम्मी, और उसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर पर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें कुछ हमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिनको हमको भरना है, फिल करना है। तो पहला दिया हुआ है का नंबर पर बंटी बालकों को खाली स्थान था। खाली स्थान पर हम क्या लिख देंगे? चिढ़ाता था। बंटी बालकों को चिढ़ाता था, तो पहले खाली स्थान में क्या हो जाएगा? चिढ़ाता। दूसरा खा नंबर पर दिया हुआ है बंटी मार्ग पर डाल देता था, तो इस खाली स्थान में क्या लिखेंगे बच्चों? छिलके। बंटी मार्ग पर छिलके डाल देता था। ठीक है, आगे दिया हुआ है ग नंबर पर छिलके सड़क पर फेंक कर बंटी दीवार के छिप गया। कहाँ छिप गया? पीछे छिप गया। ठीक है, तो जो ग नंबर का खाली स्थान है उसमें क्या भर देंगे हम? पीछे। छिलके सड़क पर फेंक कर बंटी दीवार के पीछे छिप गया। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है घ नंबर पर बंटी की शरारत के आगे सभी थे।
क्या थे, लाचार थे। तो जो हमारा घ नंबर का खाली स्थान है उस पे हम क्या लिख देंगे, लाचार। तो बंटी की शरारत के आगे सभी लाचार थे। तो बच्चों ये हमारे रिक्त स्थान भी कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर सत्य और असत्य लिखिए। बच्चों जो हमारा आंसर, जो हमारा आंसर सही होगा उसके आगे हम सही लगाएंगे और जो हमारा गलत होगा उसके आगे गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है का नंबर पर बंटी सड़क पर केले के छिलके किसी विशेष कारणवश नहीं डालता था। बच्चों ये तो बिल्कुल गलत दिया है, वो किसी कारणवश ही डालता था, उसको लगता था कि इन छिलकों पर किसी का पैर पड़ेगा और वो फिसल के गिर जाएगा, ठीक है। तो उसका कारण होता था, तो इसमें लिखा हुआ है बंटी सड़क पर केले के छिलके किसी विशेष कारणवश नहीं डालता था, तो ये तो गलत है। तो इसके आगे हम रॉन्ग का निशान या गलत का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है ख नंबर पर शैतान बालकों की मूर्खता से सभी को कष्ट पहुंचता है। ये तो बिल्कुल सही है, जो बच्चे शैतान होते हैं, नटखट होते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, उनकी मूर्खता से सभी को कष्ट या दुख पहुंचता है। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे दिया हुआ है गा नंबर पर जो सबके सुख दुख का विचार कर कार्य करता है वही श्रेष्ठ नागरिक कहलाता है। ये बिल्कुल सही दिया है बच्चों, जो सभी के दुख और सुख का विचार कर कार्य करता है वही श्रेष्ठ या अच्छा नागरिक कहलाता है। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, सही का निशान, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर बंटी शैतान तो था परंतु आज्ञाकारी भी था। बच्चों वो शैतान तो था लेकिन आज्ञाकारी भी नहीं था, वो किसी की बात नहीं मानता था, तो ये गलत दिया हुआ है। तो इसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है फोर्थ नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके हमको उत्तर या आंसर देना है, ठीक है बच्चों। पहला प्रश्न है बंटी की मम्मी की चीख सुनकर लोगों ने क्या किया। तो बंटी की मम्मी की चीख सुनकर लोगों ने उनकी सहायता की, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा, बंटी की मम्मी की चीख सुनकर लोगों ने उनकी सहायता की, ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है लोगों को परेशान करने के लिए बंटी क्या क्या करता था। तो इसका उत्तर होगा या आंसर होगा, लोगों को परेशान करने के लिए बंटी फलों व सब्जियों के छिलके सड़क पर फेंक देता था, ठीक है बच्चों। क्या करता था बंटी, लोगों को परेशान करने के लिए फलों व सब्जियों के छिलके सड़क पर फेंक देता था, ठीक है बच्चों, समझ आया। आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है गा नंबर पर बंटी की मम्मी के साथ क्या दुर्घटना घटी। जो बंटी की मम्मी थी उनके साथ क्या दुर्घटना घटी। तो इसका आंसर है बंटी की मम्मी का पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर गिर पड़ी, ठीक है बच्चों, समझ आया। इसका आंसर क्या होगा, बंटी की मम्मी का पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर गिर पड़ी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है घ नंबर पर बंटी किस प्रकार का बालक था। जो बंटी था वो किस प्रकार का बालक था, तो बंटी बहुत शरारती बालक था। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बंटी बहुत शरारती बालक था। यही हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों, समझ आया। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा और इससे बहुत अच्छी सीख भी मिली होगी, ठीक है बच्चों, थैंक यू।